पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। हम भगवान के दरबार में आते हैं, भगवान जी हमारे को एक मैसेज देते हैं कि मैंने तुमको यहाँ पे भेजा है, और जब भेज दिया है तो हताश होने की जरूरत नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये जमाना तो ऐसे ही रंग बदलता रहेगा, जिस प्रकार से हर रोज सुबह सूर्य निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है, फिर अगले दिन सूर्य निकल आता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि जीवन में कभी हार मत मानो, अपना कर्म अच्छे तरीके से करते रहो, फिर तुम्हारे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे अंदर कोई भी दुख संकट कुछ भी नहीं आएगा। कैसे समझाया है कि जमाना रंग बदलता है, जैसे रोज सुबह को दिन चढ़ता और शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है। मैं जो भजन गाऊंगा उसमें ताड़ी भले मत बजाना, पर उसको सुनना ध्यान से। ये जो बातें हमारे जो पुराने कवि कह के गए, ये भजन दादा जगन्नाथ जी का लिखा हुआ है, वो जीवन में इतना काम आने की बात है, अगर इन बातें हम ध्यान से सुन लेंगे ना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जैसे रोज सुबह का दिन चढ़ता है, रोज सुबह का और शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। कई बार हम ये सोचते हैं, सभी सोचते होंगे ऐसा, हमारा कोई बहुत ज्यादा प्यारा माँ बाबू भाई पति पत्नी, जिससे हम बहुत बेहद प्यार करते हैं, कोई मित्र यार दोस्त, अरनू लगे कई बार जय ना रहा तो मैं किस प्रकार से जीऊंगा, वो इंसान रहता नहीं, फिर भी हम जीते हैं। क्यों? क्योंकि नियम है, नियम को कोई बदल नहीं सकता। जिसने समझे जानत प्यारा वो भी एक दिन हो जान्यार, जिसने समझे जानत प्यारा वो भी एक दिन हो जान्यार, बेटा बेटी संतान है हमारी, लेकिन बेटे से ज्यादा बेटी प्यारी होती है। ये उदाहरण है, बेटा की दीवार जा रहा हो, लेट हो जावे, आदमी इतनी चिंता नहीं करता, और बेटी जा रही हो और लेट हो जावे, रात नींद नहीं आवे, वो भी हमारे पास नहीं रहती। बेटे ते हो बेटी प्यारी ये कहती है दुनिया सारी, बेटी ते हो बेटी प्यारी ये कहती है दुनिया सारी, और माँ भी एक दिन हो जानारी, माँ भी एक दिन हो जानारी, ना कबू चलता है जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जैसे रोज सुबह का दिन
जमाना इसी तरह से रंग बदलता रहेगा, पर हमने एक काम को नहीं छोड़ना है, और वो काम करने के लिए हमें समय निकालने की जरूरत नहीं है, उसको तो बस याद ही करना होता है। गाया जाते हरि गुण गाले, खाया जाते तू गम खाले, गाया जाते हरि गुण गाले, खाया जाते तू गम खाले, और जोत से जोत मिला लेने यो, जोत से जोत मिला लेने, जोत से जोत मिला ले, जोत से जोत कैसे मिलेगी? मैं दादाजी से पूछ लिया करता कि दादा जोत से जोत कैसे मिले, कि जितने भी जीव धरती के ऊपर हैं सबके अंदर एक ही आत्मा है, और वो आत्मा उस परमात्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार से एक बूंद सागर में मिलने के लिए तड़पती है, जब तक वो सागर में नहीं मिलती तब तक तो वो बूंद है, जैसे ही वो सागर में मिल जाती है फिर वो बूंद नहीं रहती, वो सागर कहलाना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से हमारी जब ये आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी, उसमें फिर ये आत्मा नहीं रहेगी, ये परमात्मा कहलाना शुरू कर देगी। कि आत्मा याद उसी को करती, ना दिल पर से बात उतरती, जैसे फिरती गौ लबारे बिना, दुखी रहे हंकारे बिना, और कुछ कार्य इसे जो सारे बिना सरया नहीं करते, पर कया नहीं करते, वासना ने मारे बिना, शांति ने धारे बिना, और बात ने बेचारे बिना कया नहीं करते। इसलिए कहा दादा ने कि जोत से जोत मिला लेने यो, जोत से जोत मिला लो, यो बखत निकलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। माताजी रोशनी देवी जी 100 रुपए से आशीर्वाद देती हैं, 100 रुपए से अंकित जी ने आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। जगन्नाथ तू चाल देख के, 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 जगन्नाथ तू चाल देख के, ऊंची नीची गाल देख के, जगन्नाथ तो चाल देख के, ऊंची नीची गाल देख के, इस दुनिया का हाल देख के, इस दुनिया का हाल देख के, हृदय जलता